अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से बड़ी खबर आ रही है। वहां मौजूद गुरुद्वारे को दोबारा निशाना बनाया गया है। जानकारी के मुताबिक काबुल में मौजूद करते परवान गुरुद्वारे के मेन गेट के पास बम धमाका हुआ है। हालांकि इस धमाके में जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। इस ब्लास्ट के पीछे कौन लोग जिम्मेदार हैं, इसकी जानकारी नहीं है। बता दें कि इससे पहले जून महीने में भी काबुल में गुरुद्वारे के पास दो धमाके हुए थे। इस दौरान दो लोगों की जान भी चली गई थी और कई लोग घायल हुए थे। इंडियन वर्ल्ड फोरम के अध्यक्ष पुतिन सिंह चंडोक का इस पर बयान भी आया है। उन्होंने कहा है कि वहां मौजूद सिख और हिंदू समाज के लोग सुरक्षित हैं। घटना के बाद का एक वीडियो भी सामने आया है। अफगानिस्तान में अगस्त 2021 के बाद से तालिबान की सरकार है। तालिबान सरकार आने के बाद से सिख समुदाय समेत बाकी अल्पसंख्यक समुदायों पर हमले बढ़े हैं। तालिबान के हमले से पहले ही अफगानिस्तान में कुल 600 के करीब हिंदू और सिख समुदाय के लोग रहते थे, लेकिन तालिबान के कब्जे के बाद इस नंबर में तेजी से और गिरावट आई है। कई लोग वहां से भारत आ गए हैं।